सकते। बाद फिर मैंने खेती बाड़ी में काम किया तो वहां पे मुझे सैलरी नहीं दी। अभी तो 2 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है तो 2 बजे अपना काम पे लग जाना, अच्छा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई आपके उनके पास सारे कोई इलीगल। इनलीगल काम करवाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। जब मैं ब्रेशिया में पहुंच गया तो ठीक, मैं जा रहा था अपने दोस्त के पास, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया क्योंकि अच्छा मैंने बाथरूम जाना है। हाँ तो वो बोलते हैं कि तू बैठा रहे, मैंने बोले जाना है, बोलते कि चल आ जा, वो मुझे ले गए। तो जब मैं बाथरूम में जा रहा था मैंने डोर बंद करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ऐसे मुक्के से मारा। इतनी शक करती है कि उन्होंने मेरे, जब तक मैं जा रहा था मेरे पास मगर एक गाड़ी जा रही थी, एक गाड़ी पुलिस की आती मतलब थी, पीछा कर रहे पीछा थे। कर हाँ रहे थे। भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इंडिया से यूरोप आना चाहते हैं और कैसे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग बात होगी और पूरी यूरोप की जानकारी दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो या PR कैसे ले सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग आज बताएंगे। हमें हमारे साथ बैठे हैं अमन जी, मैं हूँ पुर्तगाल में, और ये पुर्तगाल का सफ़र इनका कैसा रहा इंडिया से, और सबसे पहले ये कैसे इनकी जर्नी हो, तो ये वीडियो पूरी देख। पुर्तगाल में जब मैं आया था, नहीं, सबसे पहले आप बताइए कि इंडिया से यूरोप कौन सी कंट्री आए थे पहले आप। मैं आया था सर इटली, इटली, इटली आया था मैं। 9 9 मंथ के पेपर होते हैं खेती बाड़ी के, ठीक है, तो मैं उन पे आया था। जो वैसे होता है कि इटली में आपका कोई जानकार हो तो वो भर देते हैं, तो वो भी एम्बेसी वीज़ा देती है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आप 9 महीने का वीज़ा होता है तो आप आ सकते हो। तो उस पे मैं आया था, तो वहाँ पे मैंने 3 3 महीने तो पहले मुझे काम नहीं मिला अच्छा जिस स्टार्टिंग के, ठीक स्टार्टिंग पे, जिस है, जिस मालिक के पास जाना था उसके पास नहीं जाने दिया रिश्तेदार ने। क्यों। तो वो बोलता था कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना, पता नहीं उनकी कोई आपस में कोई सेटिंग वेटिंग होगी, कि अच्छा सिर्फ उन्होंने एंट्री करवानी थी। अच्छा एंट्री के उन्होंने मेरे से ले लिए थे 6 7 लाख रुपये अच्छा इटली पहुंचने तक। इटली पहुंचने तक। तो उसके बाद मैं 3 महीने बाद में फ्री रहा, तो उसके अच्छा बाद फिर मैंने खेती बाड़ी में काम किया, तो वहाँ पे मुझे सैलरी नहीं दी गई। मैंने अच्छा मैंने अपने फ्री में काम रिश्तेदार के किया। पास काम किया, तो उसने वो बोलता था कि मेरे को सैलरी, मेरे अकाउंट में सैलरी मालिक ने डाल दी, तो हाँ, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, वो खुद खा गया, खुद खा गया। था तो आपका रिश्तेदार, ठीक था, हाँ मेरा रिश्तेदार था। है। तो उसके बाद फिर वो मैंने उन्होंने मुझे एक एक वहाँ पे इटली में ना डेयरी फार्म को स्ताला बोलते हैं, स्ताला, मैंने मुझे वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं गया वहाँ पे, वो मालिक था, रात को 2 बजे उठाता था कि हाँ भी मेरे को 7 2 बजे उठ के भी काम करना है, अच्छा रात को दो रात बजे को उठा दो के, बजे उठा के काम पे लगाता था। मतलब रात के 2 बजे जब हम सोते हैं आज हाँ नॉर्मली, रात के दो मैं बजे तक। तो वो बोलता था कि हाँ भी तू 2 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है तो 2 बजे अपना काम पे लग जाना। अच्छा मैंने सोचा यार इतना कितने महीने चला ऐसे, मतलब। तो नहीं, मैंने वहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ता 1 वीक हाँ निकाला तो काम निकाला। मैंने उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा छोड़ दिया मतलब, हाँ वो बोलते हैं, चलो बोलते हैं ठीक कि नहीं करना तू जा, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। है। अच्छा तो जिसने मुझे काम पे लगाया था इसलिए वो मेरे वहाँ पे छोड़ भी आया, तो वो बोलते थे कि नहीं तू वहीं जा वहीं काम कर, ठीक है। ठीक। पर मैंने सोचा कि नहीं मेरे से वहाँ पे नहीं काम अरे तो होगा। बहुत मुश्किल है रात को 2 बजे उठ के, बंदा सुबह के कितने बजे तक काम होता था, मतलब सुबह के 2 ही 2 बजे। सुबह ऐसे होता कि 6 सुबह 4 5 6 घंटे काम होता था, उसके बाद उन्होंने ऐसे करना है कि आपने खेतों में काम करने के लिए ले जाना है, ठीक है, तो शाम को 3 4 बजते हैं फिर डेयरी का काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा रात को 8 9 बजते थे, फिर सुबह सिर्फ 9 बजे आपने रोटी खान पानी खाना है, सो जाना है, तो रात को 2 बजे उठ के काम पे लगना है। अच्छा तो मैंने सोचा दो मतलब 2 से लेके रात के 9 बजे तक, काम कराते हैं वो मतलब इतनी लंबी ड्यूटी। अच्छा ड्यूटी, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई आपके उनके पास मतलब कोई इलीगल, इनलीगल काम इलीगल, करवाते हैं, वो ठीक ऐसे है ही ठीक करते है। हैं। तो कितना टाइम निकाला फिर आपने ऐसे करके। मैंने वहाँ पे एक वीक निकाला, तो उसके बाद मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, उन्होंने मुझे को पैसे भी नहीं दिए। अच्छा उसके बाद, उसके बाद मैं अपने सज्जन मित्र थे उनके पास गया, तो वो बोलते थे कि नहीं तू वहीं काम कर, तुझे अच्छा लिए बेस्ट है, ऐसे है वैसे है। पर मैंने बोल दिया कि नहीं, फिर मेरे तुम्हारे लिए को बेस्ट नहीं है वो। नहीं। फिर मैंने अपने और साथी थे इंडिया से फ़ोन फ़ोन किया कि हाँ भी मुझे काम सैलरी दो, चाहिए, वो अच्छे बंदे मिलाओ कि जिन जिसके पास मैं काम कर सकूँ, मुझे भी कुछ है ना। तो उसके बाद मैं फिर ब्रेशिया में गया,
ब्रेशिया इटली का शहर है। अच्छा, इटली का शहर है। हाँ, ब्रेशिया, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन है। तो वहाँ पे मैं काम किया, वहाँ पे मेरे दोस्त थे सोनू, इंडिया से उन्होंने फ़ोन किया तो वो बोलते थे कि हाँ भी हमारा एक दोस्त आ रहा है, इसको कहाँ पे लगाना है। कहाँ पे? ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पब्लिसिटी की, तो जैसे होता है कि अखबार डालना भी वो काम, वो देते थे 32 यूरो एक दिन के, अच्छा, 32 यूरो एक दिन के देते थे। 32 यूरो एक दिन के देते थे। तो उसके बाद वो एक महीने में सिर्फ 12 या 13 दिन लगते थे एक महीने में मतलब बस, 12-13 दिन का, वो तो फिर तुम्हारा अपना खाना पीने में निकल खाना जाता पीने है। में निकल गया बस ऐसे ही। मैंने वहाँ पे 4-5 महीने निकाले अच्छा तो वीज़ा भी ख़त्म हो गया उस, अच्छा उन्होंने वीज़ा बोल भी दिया कि खत्म अब हो तू गया। काम नहीं कर सकता। ओके, तो फिर वैसे अनलीगल काम तो करते हैं वहाँ पे, पर उन्होंने वो मुझे को काम से निकालना था, निकाल उन्होंने दिया, निकाल बहाना दिया, चाहिए था कुछ। बहाना चाहिए था। चलो सही है। उसके चलो, बाद फिर उसके बाद फिर मैं चला गया एक इटली में नापोली, नापोली। ठीक है, नापोली वहाँ पे माफिया एरिया है। माफिया। ओके। तो वहाँ पे हमारे पास के गांव के दोस्त थे, उन्होंने उनके पास गया मैं। तो वहाँ पे भी डेयरी फार्म का काम था, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो रात को 2 बजे नहीं 3 बजे उठते थे अच्छा, वहाँ वहाँ पे, पे भी थे, मतलब तीन मोस्टली डेयरी के काम में सुबह अर्ली ही उठना पड़ता है। उठता उठना ही पड़ता है। तीन ठीक है ओजली तो 4 बजे, मालिक तो बोलते हैं 4-5 बजे आप उठ जाओ तो काम पे ठीक लग है। जाओ। तो थोड़ा सा वहाँ पे हमारे जो बंदे हैं वो परेशान करते हैं अपने इंडियन को। अपने इंडियन को कि हाँ भी जो नया लड़का आया है ये इतनी जल्दी टिक ना जाए यहाँ पे, अच्छा, इसको जल्दी उठाओ जल्दी काम पे लगाओ, तो भाग जाएगा यहाँ से भाग जाएगा भगाने के चक्कर भगाने में। के चक्कर में, ऐसे ही होते बोलते। जो अंदर के बंदे वो इंडियन ही होते हैं या कोई इंडियन और? इंडियन थे सारे, मतलब इंडियन इंडियन की एक तरीके से ले रहा है। ले रहा है पूरी। तो ठीक है। उसके बाद चलो मैंने वहाँ पे अपना मन मन टकाया तो मैं रहने लगा उस पर। मैं कहा चलो अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मजबूरी। इंडिया से पैसे भी लेकर आए थे ऐसे ही तो देने भी हैं, तो सारा खर्चा कर्जा भी भी करना है। उतारना है ऐसे वैसे। इसीलिए फिर मैंने वहाँ पे काम किया 1 साल, पूरा 1 साल। हाँ 1 साल काम किया। तो वो भी वहाँ पे रात को सुबह 3 बजे काम पे लगते थे। तो उसके बाद 8-9 बजे अपनी जो भी होती है वहाँ पे दूध निकालना वो हो जाता अच्छा, था। दूध निकालना। ठीक उसके है, बाद फिर जब फ्री हो जाते थे सारे डेयरी फार्म, उसके बाद मालिक लेके जाता था खेतों में काम खेतों कर। में। ठीक है तो वहाँ से आते थे 1 बजे, ठीक है। 1 बजे आके तो अब हमने खाना बना अपना खाना, तो उसके बाद 1 घंटा आराम करना, अच्छा, उसके बाद फिर 2-2.5 बजे काम पे लग जाना दोपहर को, दोपहर को, फिर रात के, रात के नहीं फिर 7 बजे तक, रात के मतलब शाम के शाम या रात शाम के के सात हाँ बजे तक। शाम के ठीक है सात ठीक बजे है। तक तो मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद चलो चल करता रहा मैं करता रहा। तो उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे वो बोलते थे कि मैंने वहाँ पे ट्राई किया कि मेरे शायद पेपर बन जाए इटली में इटली में, मतलब तुम अप्लाई करना चाहते थे पीआर के लिए या सिटीजनशिप के लिए इटली में, इटली में तो वो फिर क्या, क्यों नहीं हुए उधर? वो ऐसे हुए नहीं हुए कि क्योंकि जिस मालिक ने मेरे पेपर नूला उस्ता बोलते हैं वो भेजा था, वो मालिक बोल रहा था कि मेरे पास काम नहीं है, उसने ओके, कॉन्ट्रैक्ट मेरा काट दिया था। काट दिया था। वो कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना उनमें पहले ही भी बात करनी होती है कि हाँ भी एंट्री करानी है या अच्छा, फिर इसको मतलब पेपर लेके सिर्फ देना है, एंट्री करवानी है, उसके कुछ पैसे उन्होंने जो उन्होंने तुमने 7 लाख दिए, लिया उसमें से कुछ वो मालिक को भी दिए कुछ होंगे, मालिक को दिए कुछ उन्होंने आप रख कुछ लिए, तो तुम्हें चलो ठीक है। वो आप ठीक करके है ही ठीक आता है आदमी। है। तो फिर इसीलिए मेरे वहाँ पे पेपर नहीं बने। फिर मेरे दोस्त थे उनसे मैंने बात किया पुर्तगाल में, अच्छा, तुम्हारे दोस्त पुर्तगाल में हैं। पुर्तगाल में वो बोलते हैं कि हाँ भी यहाँ पे आ जा, यहाँ पे इमिग्रेशन खुली हुई है तो आप यहाँ पे आओ तो अपने पेपर आपके बन सकते हैं। ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे आऊँ, मेरे पास तो अभी वीज़ा भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो बोलते हैं कि आप बाय रोड आ जाओ, टैक्सी चलती है कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ एक मेरे से उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, नंबर दे दिया तो मेरे एजेंट था उसने बोला कि मैं 1,000 यूरो लूँगा तो मैं आपको वहाँ पे पुर्तगाल में छोड़ दूँगा। ठीक। चलो उन्होंने फ़ोन फ़ोन किए नंबर लिए। जब मैं वहाँ से नापोली से गया तो फिर क्योंकि वहाँ पे जैसे होता है ना थोड़ा सा मालिक को झूठ बोलना पड़ता है ठीक कि है। मैं अपना काम के लिए जा रहा हूँ, अच्छा, वरना नहीं तो वो आपकी सैलरी एक रख रख लेंगे। लेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे। ठीक। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मैंने जाना है तो इसलिए कि मेरे को वहाँ पे मेरा जो भी है दोस्त है उसके पास मैंने अपने पेपर न्यू लगाने हैं, तो
तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए, इसलिए मैंने जाना पड़ेगा, उसको पैसे भी देने हैं। ठीक। मालिक ने बोला कि चलो ठीक है तू जा, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। तो मैंने अपने जो दोस्त थे उनको सभी को बोल दिया था कि मैं अभी पुर्तगाल जा रहा हूँ, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हारा आपका दिल है, काम करना है करो, नहीं करना है आपको जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। तो मालिक को सच नहीं बताना होता। तब मैं फिर चलो वहाँ से चल पड़ा। फिर मैंने ब्रेशिया से जाना था, जो एजेंट था ना टैक्सी वाला, तो उसने बोला था कि आप ब्रेशिया में आ जाओ, तो वहाँ से टैक्सी चलती है, तो हम वहाँ से आपको ले जाएंगे। तो जब मैं वहाँ से नापोली से ट्रेन में बैठ गया, सो सारी रात का सफ़र था वो। अच्छा, पूरी रात? पूरी रात में, वहाँ से 9 बजे ट्रेन थी, सुबह लगनी थी 7 बजे 8 बजे। बस इतना लंबा है सफ़र था? सफ़र था इटली के अंदर ही? इटली के अंदर, पर ऐसे है कि थोड़ा स्टॉप वगैरह रुक रुक के जाती है ना, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद उन्होंने, जब मैं ब्रेशिया में पहुंच गया, तो मैं जा रहा था अपने दोस्त के पास, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा। पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट ही पासपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। तो उन्होंने, मैंने उनको पासपोर्ट दिया, ठीक है। वो बोलते हैं कि आपका तो वीज़ा भी ख़त्म है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वापस क्यों नहीं गए अपने होम कंट्री? ओके। तो मैंने मैंने बोला कि जा रहा हूँ मैं, अभी चले जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तो हमने आपकी तलाशी लेनी है। उन्होंने मेरे बैग सारे कपड़े निकाल दिए, वो बोलते हैं कि आप अपने कपड़े भी उतारो, अंडरवेयर भी? नहीं, अंडरवेयर नहीं। तो उन्होंने मेरी टी शर्ट उतारी, पैंट उतारी, बूट, जराबें, अच्छा, सही सभी उतार दी। तो बोलते हैं कि हमें डाउट था कि कुछ लोग यहाँ पे नशा बेचते हैं, तो हमें लगा कि आप, हमने आपकी चेकिंग लेनी थी, आपने चेकिंग करनी थी, कर ली, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे हवालात में ले गए। जब तुम्हारी वहाँ चेकिंग कर ली, उसके बाद तुम्हें छोड़ा नहीं कि भाई तुम्हारे में कुछ है नहीं जाओ? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया, तो बैग बुक अपना डॉक्यूमेंट में अपने पास रख ले, बोलते हैं कि अपने कपड़े कुपड़े अपने बैग में डालो, तो गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी के बैठ के बाद उसके बाद मुझे हवालात में ले गए, उन्होंने हवालात में मुझे बंद कर दिया, तो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास रख ले, ठीक है। क्योंकि कौन होता है वहाँ पे, कोई नहीं आता, ना कोई रिश्तेदार आता है, ना कोई दोस्त वगैरह आता, कोई भी नहीं लेने बचाने आता। तो वो आते थे तो कि तुमने उस टाइम पे किसी दोस्त को या रिश्तेदार को फोन नहीं किया जो आपके थे उधर जाने वाले एक लड़का था वही ब्रेशिया, मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, उसको पता चल गया कि पुलिस के, वो बोलता था कि अभी मेरे पास में नहीं आना है तेन, ठीक है, तू अभी जहाँ मर्जी जा, क्योंकि पुलिस आएगी तो मेरे घर पे आएगी। अच्छा, जो जिसके पास तुम काम कर रहे थे? नहीं नहीं, जिसके पास मैंने एक दो दिन रहना था। अच्छा, उसके बाद मैंने पुर्तगाल जाना था। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद उन्होंने मुझको वहाँ पे हवालात में बंद कर दिया। वो आते थे मेरे पास आधे घंटे के बाद, तो वो अपने डॉक्यूमेंट ले गए थे, मेरे से साइन कराते थे। उन्होंने लास्ट में मेरे को 6-7 घंटे हवालात में रखा। तो वो 7 घंटे जेल में कैसे थे, मतलब? वहाँ पे कुछ नहीं था, कुर्सी थी, कुर्सी पे बिठा देते थे, तो मैं बैठा सोच रहा था कि क्या करूँगा, कब निकलूँगा यहाँ से। वो आने जाने किसी के पास कोई नहीं आता वहाँ पे, बस वहाँ पे कुर्सी, आप बैठे रहोगे। तो वैसे कोई मारा मुरा तो नहीं आपको? नहीं नहीं, मारा नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने बाथरूम जाना है, तो वो बोलते हैं कि तू बैठा रहे, मैंने बोला जाना है, बोलते कि चल आ जा, मुझे ले गए। तो जब मैं बाथरूम में जा रहा था, मैंने डोर बंद करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ऐसे मुक्के से मारा, मुक्का मारा। हाँ, बोलते हैं कि डोर नहीं बंद करना है, तेने बाथरूम करना है, तू ऐसे ही कर, ठीक है। तो मैंने फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि यहाँ भी पुलिस है, कुछ भी है, तो भाई किसी की नहीं चलती। हाँ, इसीलिए फिर मैंने, तो मैंने फिर वहाँ पे किया, तो वो बोलते कि ठीक है चलो अपने अंदर, मुझे फिर वापस अंदर ले गए, ठीक है। अंदर मेरी कुर्सी पे बैठा दिया, कमरा बंद है, कोई नहीं आता जाता वहाँ पे, बस देखते रहते हो कब कौन आएगा कैसे आएगा। मुझे लगता कि मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तुमने अब सोच लिया था? सोच लिया था, क्योंकि हाँ अभी मैं पता नहीं कब छोड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं, मैं ऐसे सोच रहा था बस। तो शाम होगी तो बोलते हैं कि आप जा सकते हो, तो मैंने, जब उन्होंने बोला तू जा सकता है, तो मुझे को खुशी हुई कि मैं, कि शुक्र है मुझे जो जान बच गई। तो मैंने वहाँ से, चलो उन्होंने अपने पासपोर्ट दिया उन्होंने मेरे को, तो अपने कपड़े कुपड़े उठाए, बैग बुक उठाया, तो उसमें हमने पैदल जाने लगा। तो पुलिस इतनी शक करती है कि उन्होंने मेरे, जब तक मैं जा रहा था मेरे पास, मगर एक गाड़ी जा रही थी,
एक गाड़ी पुलिस की आती थी, पीछा कर पीछा कर रहे थे, एक आती थी, एक चले जाती थी। अच्छा। किसी भी गली में चल जाऊं मैं, किसी भी घर के पास जहां से निकल जाऊं तो गाड़ी पुलिस की आती थी पीछा कर। जब मैं जाके वहां पे ना एक विया मिलानो एक गली का नाम है। अच्छा। तो वहां पे इंडियन शॉप बहुत है। ठीक ठीक। तो मैं जब वहां पे जाके पार्क में बैठ गया तो गाड़ी वहां पे एक चले जाती थी, दूसरी आ जाती थी। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी साधारण है, सही है कि ये तो बस ऐसे ही अपने काम से जूझ रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है। उनको लगा कि ये कोई माफिया ड्रग ऐसा नहीं है, बेचने वाला नहीं है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो अपने काम से ही है, कि काम से जूझ रहा है, चलो इसके छोड़ो इसके पास क्या। तो चले गए। फिर उसके बाद मैंने फोन लगाया अपने दोस्त को, वो फोन ही उठा रहा। मैंने सोचा, मैं वहां पे फिर मेरे को रात हो गई पार्क में बैठे बैठे। तो मैंने इंडियन शॉप वालों से बात की, तो कुछ खाया पिया वहां पे पहली बात तो बोलते हैं कि ऐसे करो गुरुद्वारा साहब चल जाओ, तो वहां पे आपको रात को रहने का प्रबंध हो जाएगा, वरना नहीं तो जो भी बंदे बाहर रहते भाई उनका सारा गुरुद्वारा ही होता है, गुरुद्वारा ही होता है। तो उसके बाद वो बोलते थे कि वहां पे नहीं तो आपको पार्क में सोना पड़ेगा। चलो मैं जा रहा था, मेरे दोस्त का फोन आ गया, वो बोलता कि तेरे को एंट्री नहीं देंगे गुरुद्वारे में। क्यों? नहीं नहीं मतलब वैसे तो आप जा सकते हो, आप मथा टेक सकते हो, खा पी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, पर वो बोलते कि रहने को आपको वहां पे ऐसे होता कि परमिशन पुलिस भी थी थोड़ा सा होता कि आप नहीं रात को किसी को रख सकते। तो वो बोलता कि तेरे को परमिशन नहीं देंगे, तू ऐसे नहीं रह सकता। मैं कहा चल अरे भाई तू अपने पास रख ले। हाँ। बोलता कि तू मेरे पास भी नहीं रह सकता। मैं कहा फिर मैं कहाँ रहूँ। वो बोलता कि कोई ना मैं तेरा जुगाड़ पानी करता हूँ। तो उसने फिर किसी और दोस्त से बात की। अच्छा। तो वो बोलता कि मैं 5 या 10 यूरो लूंगा। अच्छा। तो मैं अपने पास रख लूंगा एक रात का काम, यानी कि रात को ये यहाँ पे सो सकता है। तो उसके बाद मैंने वहां पे 3 दिन रहा वहां पे। अच्छा वहाँ 3 दिन रहे। तीन तो दिन मतलब रहे। जो तुम्हारा प्लान था कि मैं उसी दिन सेम डे टैक्सी पकड़ूंगा और हाँ, पुर्तगाल चला जाऊंगा, पर तो 3 दिन वेट करना पड़ा तुम्हें। हाँ मैंने फिर 3 दिन वेट किया। तो वहाँ पे वो टैक्सी जो एजेंट था उस उनका ऐसा था कि वो अकेला मैं नहीं था, उसने 10 बंदे टोटल वहाँ पे इकट्ठे करने थे ब्रेशिया शहर में। तो फिर वो टैक्सी लेकर आता है, तो आधी पेमेंट वो अपने अकाउंट में पहले डलवा लेता है। अच्छा ये बंदा बाद में बाद में मना ना कर जाए कि हाँ भी खिसक ना जाए कि मैं आ जाऊं, आदमी भाग जाए, मेरा तेल फूक जाए, सारा कुछ हो जाए। अच्छा। तो आधी पैसे उसको पहले डाले। तो उसके बाद फिर वो आया, सभी बंदे इकट्ठे हो गए, टाइम दे दिया कि रात को 1 बजे यहाँ से टैक्सी निकलेगी। अच्छा। आपको 12:30 वहाँ पे पहुँचना है, तो टैक्सी में बैठना है, तो हम जाएंगे। तो टैक्सी कितनी बड़ी थी, मतलब टैक्सी 7 सीटर थी या कुछ? नहीं 5 सीटर थी। 5 सीटर थी वहाँ पे, बस 10 बंदे बैठा दिए? नहीं 8-9 बंदे थे। 9 बंदे तो वही 5-6 पीछे, तो एक दो आगे। तो जब 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 तो गांव आ जाते हैं। तो नहीं डाला भी, जैसे देखते हैं वीडियोस में किसी को डिग्गी में भी डाला हुआ? नहीं नहीं डिग्गी में नहीं डाला, तो सभी उसमें बैठे थे। अच्छा मतलब तुम्हारी इटली से पुर्तगाल तक एक तरह की डोंकी थी? डोंकी थी वो, डोंकी थी वहां पे। उन्होंने चलो बिठाया, तो वो रात को 1 बजे गाड़ी लेकर निकल पड़े। तो उसके बाद जैसे ही स्विट्जरलैंड के लैंड के बॉर्डर से साथ साथ में आते हैं, वहां पे फ्रांस में एंटर होते हैं, क्योंकि वो सीधा तो आ नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे पुलिस होती है, चेकिंग वगैरह होती है। तो वो बोलते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो। फिर वो ऐसे करते हैं, जो एजेंट होते हैं वो गांव में से लेकर जाते हैं। अच्छा, गांव-गांव से, गांव-गांव से इधर उधर पहाड़ों में से घुमा फिरा के। ठीक ठीक। तो परेशान हो जाता आदमी, गाड़ी ऐसे घूमती है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी की परेशान, यानी कि किसी की किसी को बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया। कितने मतलब टोटल कितने घंटे लगे थे आपको वहाँ से पुर्तगाल जाने? हमें लग गए थे 26-27 घंटे। 27 घंटे जी टैक्सी में बैठे हुए। खाना पीने के लिए रोकता था रात को, मतलब रेस्ट करने के लिए कहीं? नहीं, फिर हम बोलता कि जब हम फ्रांस में रुक गए तो फ्रांस में चेकिंग होती है। तो बोलता था कि फ्रांस में नहीं रुकना है। फ्रांस में सिर्फ वो रुकता था, गाड़ी में तेल डलवाता था, फिर गाड़ी चलती थी। तो हम जाके रुके स्पेन में। स्पेन में, स्पेन में हम 3 बजे शाम को, 3 बजे नहीं 1-2 बजे, 1-2 या 3 के बीच बीच में हम वहाँ पे रुके। तो तेल डलवाया, वो बोलता कि यहाँ पे कोई अगले दिन दोपहर को बोलता कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। थोड़ा फ्रांस में होता है खतरा, जब फ्रांस में पुलिस रोक लेती है तो पीछे वापस कर देती है। ठीक।
इटली भेज देती है कि आपके पास इटली का वीज़ा है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो बैक कर देती है। तो टैक्सी वाले ने हमें बोला हुआ था कि जब ये पुलिस ने हमें रोक लिया तो मैं बोलूँगा कि मैंने इनको लिफ्ट दी है, हाँ ठीक है, मैं इनको ऐसे, आप ऐसे मत बोलना कि ये हमें टैक्सी से बाय पुर्तगाल लेके छोड़ने जा जा रहे हैं, रहे छोड़ने हैं। जा रहे हैं। तो बोलता कि मैं ऐसे बोलूँगा मैंने इनको लिफ्ट दी है, कोई बात नहीं आपको उतार देंगे, मैं आपको फ़ोन से कॉन्टेक्ट करूँगा, तो उसके बाद आप, मैं आपको फिर दोबारा लेके जाऊँगा, ठीक है, ऐसे बात की। तो पर अब खुशकिस्मत ही हमें पुलिस ने नहीं रोका। नहीं रोका, कहीं चेकिंग नहीं हुई हाँ, उनकी। क्योंकि उनको पता होता है कि शाम को ड्यूटी के टाइम सभी दफ्तरों से निकलते हैं, वहाँ पे शाम को रश पड़ जाता है बॉर्डर पे, जो फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर है। क्योंकि जब इटली के, जब फ्रांस का बॉर्डर होता है, वो हम वहाँ पे सुबह सुबह में क्रॉस कर गए थे, ठीक है, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, वहाँ पे निकल गए थे हम। तो जब शाम के 5 बज गए तो वहाँ पे पुलिस भी खड़ गई, हाँ ठीक है। बैठे तो वहाँ पे जब उन्होंने, जो भी टैक्सी वाले होते हैं उनको पता होता कि इस टाइम दफ्तरों से छुट्टी होती है, तो वहाँ पे रच पड़ जाता था, तो उसके बाद वो किसी को रोकते नहीं है। अच्छा, तो पुर्तगाल, स्पेन के बाद पुर्तगाल सीधा। हाँ जी, वहाँ पे स्पेन पे रुके तो एक घंटा आराम किया, उसके बाद फिर गाड़ी गाड़ी चलने दी। मतलब बंदा तो थक जाता होगा यार, 26 घंटे बहुत की बहुत पता गाड़ी नहीं में चलता, बैठे रहना। हाँ बुरा हाल हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम, उन्होंने बोल दिया कि हम अभी पुर्तगाल जा रहे हैं। सभी तो सो रहे थे पीछे, कोई किसकी कोई बीमार हो गया, कोई कैसे हो गया, एक गाड़ी में अभी आप बताओ 7-8 बंदे बैठे हैं 5 सीटर में, तो कैसी हालत होती है, बहुत बुरी हालत हो जाती ठीक भाई, है। वो भी 5 सीटर इतना में घंटा छह बंदे नहीं बैठ सकते, तो इतना, कहीं वो भी इतना लंबा सफ़र। बहुत लंबा सफर है तो यार। उसके बाद उन्होंने हमें पुर्तगाल में रात को 2 या 3 के टाइम पे हमें गुरुद्वारा साहब के पास बाहर वहाँ पे उतार दिया। अच्छा, फिर आप अपने दोस्तों के पास चले फिर गए। हमने अपने दोस्तों को फ़ोन फ़ोन लगाए, तो वो हमें वहाँ से आके लेके गए। ठीक है, फिर वहाँ पे रात, एक रात निकाली, तो सुबह उठ के पता चला कि हाँ भी पुर्तगाल हो आ गए हैं ठीक है, ठीक है। तो मतलब वैसे पुर्तगाल पहुंचे, बाकी ऐसे। पुर्तगाल की जर्नी फिर अलग है उसके बाद, है उसके ना? बाद तो अलग है वो, फिर तो डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन तो भाई ये यहाँ तक ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पुर्तगाल की जर्नी अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, और ये भाई को दोबारा लाएंगे पुर्तगाल में। इन्होंने कैसे अपना वहाँ पे TRC कार्ड बनवाया, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करी, A to Z पूरी ये बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू, और अमन जी, आपका बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ना?